Hello guys, so how are you? So I'm going to start a new topic and this topic ko kehte hain contract of bailment. Special contract aaj ka ek aur topic aur iska naam kya hai? Is topic ka naam hai sir contract of bailment. To aaiye zara contract of bailment ko discuss karte hain. So is topic ka naam hai contract of bailment. और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट पूरा का पूरा जो टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट ये जो पूरा का पूरा टॉपिक है ये सेक्शन 148 से लेकर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 148 से लेकर सेक्शन 171 तक डिफाइन है. सर बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है और होता क्या है बेलमेंट का मीनिंग देखिए. एक स्टोरी सुनिए. स्टोरी है मेरी. मैं हूं इस कार का ओनर. मैं हूं इस कार का ओनर एंड ही इज माय फ्रेंड. तो मेरा फ्रेंड मुझे बोलता है, मेरा फ्रेंड जो नारायण कार्तिक है मेरा फ्रेंड है, वो बोलता है कि यार मुझे तुम्हारी गाड़ी चाहिए एक रेस के लिए. वो मेरी कार डिमांड करता है, बोले मुझे रेस में पार्टिसिपेट करना है, क्या तुम कुछ दिनों के लिए अपनी गाड़ी मुझे दे सकते हो. मैंने कहा ओके. तो मैंने अपनी कार किसको दे दी. मैंने अपनी कार का पोजेशन दे दिया अपने फ्रेंड को. सर मैंने सिर्फ कार का पोजेशन दिया है, मैंने कार की पोजेशन नहीं दी है दिया है. तो मैंने कार का पोजेशन नॉट ओनरशिप, ओनली दी पोजेशन ऑफ दी कार नॉट ओनरशिप. मैंने कार का पोजेशन किसे दे दिया, मैंने गाड़ी का पोजेशन दे दिया अपने फ्रेंड को. ओनरशिप मैंने ट्रांसफर नहीं करी है, मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या ट्रांसफर किया है, गाड़ी का पोजीशन ट्रांसफर किया है और किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए ट्रांसफर किया है. वो पर्पस क्या हो सकता है, वो पर्पस हो सकता है कि मेरे फ्रेंड को गाड़ी की जरूरत हो. तो जब हम किसी मूवेबल प्रॉपर्टी का पोजीशन किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए किसी पर्सन को ट्रांसफर कर देते हैं और वो पर्सन उसे या तो रखता है या उसे डिस्पोज ऑफ कर देता है. डिस्पोज ऑफ का मतलब आगे निकाल देना. या तो वो उसे यूज करके वापस हमें रिटर्न कर देगा या उसे वो फर्दर डिस्पोज ऑफ कर देगा, उसे ही हम बेलमेंट का नाम देते हैं. तो सर बेलमेंट ना सेल से अलग होता है. सेल में ओनरशिप पोजेशन सब चला जाता है, लेकिन अगर मोबाइल फोन खराब हो और मोबाइल फोन रिपेयरिंग करवाने के लिए शॉपकीपर को दिया जाए उसे हम बेलमेंट कहते हैं. जो इंसान अपने गुड्स किसी पर्पस के लिए देता है उसे हम कहते हैं बेलर. उसे किसका नाम दिया गया, उसे नाम दिया गया बेलर. और जिसे वो गुड्स मिलते हैं उसे नाम दिया गया किसका, उसे नाम दिया गया बेली का. तो सर बेली को गुड्स रिसीव होते हैं और बेलर क्या करता है, बेलर गुड्स का ओनर होता है. और बेली गुड्स को यूज करके क्या कर देगा, बेली गुड्स का यूज करके गुड्स को वापस रिटर्न कर देगा. तो गुड्स को वापस रिटर्न कौन कर देता है, बेली. तो मेरा जो फ्रेंड नारायण कार्तिक है वो यहां क्या बन गया, वो बेली बन गया. वो उन गुड्स को यूज करेगा, मेरी गाड़ी को यूज करेगा और यूज करने के बाद मुझे गाड़ी वापस दे देगा. एक इंपॉर्टेंट बात और, बेलमेंट हमेशा ऑलवेज मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए होता है, नॉट फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी. इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए कभी भी बेलमेंट नहीं होता. बेलमेंट सिर्फ और सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए होता है. तो कार का ओनर एंड ही इज माई फ्रेंड. सर तो गाड़ी अगर सर्विसिंग करवाने दी जाए तो उसे भी बेलमेंट ही कहते हैं. अगर लैपटॉप रिपेयरिंग में दिया जाए उसे भी बेलमेंट कहते हैं. अगर फ्रेंड को बुक आपने पढ़ने के लिए दी और पढ़ के उसने आपको रिटर्न कर दी उसे भी तो बेलमेंट कहते हैं. तो सर बेलमेंट का सिंपल सा मतलब आया, बेलमेंट में एक बेलर होता है, एक बेली होता है, एक बेलर एक बेली. बेलर किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए, बेली को गुड्स का पोजीशन, मूवेबल प्रॉपर्टी का पोजीशन हैंडओवर करता है और बेली या तो गुड्स को रिटर्न कर देता है या फिर जिसके पास उसे गुड्स को पहुंचाना है उस पर्सन के पास गुड्स को पहुंचा देता है. सो या तो वो उसे रिटर्न करता है या फिर डिस्पोज ऑफ करता है. डिस्पोज ऑफ का मतलब फर्दर उसे निकाल देना अकॉर्डिंगली. तो सर इस तरीके से अगर मैं बात करूं तो सर बेलमेंट देखिए कितने तरीके का होता है. एक इम्पॉर्टेंट बात जो बेलमेंट के बारे में जाननी ज़रूरी है, बेलमेंट ग्रैचुटस भी हो सकता है और नॉन ग्रैचुटस भी हो सकता है.
सर ग्रेचुटस और नॉन ग्रेचुटस क्या होता है, ये सारी बातें मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो नाउ लेट्स डिस्कस द टाइप्स ऑफ बेलमेंट। देखिए बेलमेंट कितनी तरह का होता है सर, कितने तरह का होता है, तो देखिए ऑन द बेसिस ऑफ कंसिडरेशन, ऑन द बेसिस ऑफ कंसिडरेशन, कंसिडरेशन के बेसिस पे बेलमेंट कितने तरीके का होता है। और साथ ही साथ तो पहला पॉइंट क्या आ गया, पहला पॉइंट आ गया ऑन द बेसिस ऑफ कंसिडरेशन, और दूसरा पॉइंट आ गया ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट, ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट्स। सर बेनिफिट्स के बेसिस पे और दूसरा कौन सा आया, ऑन द बेसिस ऑफ कंसिडरेशन, बेलमेंट को कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। तो यहां देखिएगा जरा, ऑन द बेसिस ऑफ कंसिडरेशन, ऑन द बेसिस ऑफ कंसिडरेशन बेलमेंट दो तरीके का होता है, एक होता है ग्रेचुटस, एक होता है कौन सा बेलमेंट, ग्रेचुटस बेलमेंट, जिसमें कि विदाउट कंसिडरेशन भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है। तो ग्रेचुटस का मतलब क्या होता है, ग्रेचुटस का मतलब होता है नो कंसिडरेशन बट इट इज स्टिल ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। और दूसरा कौन सा होता है, दूसरा होता है नॉन ग्रेचुटस, दूसरा होता है नॉन ग्रेचुटस बेलमेंट, जिसमें कि कंसिडरेशन होता है। सर जैसे कि मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के लिए दिया, तो मोबाइल फ़ोन वाले ने मोबाइल रिपेयर करके आपको रिटर्न कर दिया, मोबाइल फ़ोन ठीक करके यूज़ करके आपको रिटर्न कर दिया, तो वो आपसे पैसा चार्ज करेगा इसके लिए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं नॉन ग्रेचुटस बेलमेंट। और ग्रेचुटस बेलमेंट कौन सा होता है, ग्रेचुटस बेलमेंट वो होता है जिसमें कंसिडरेशन, जिसमें कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं होता। अगर फ्रेंड को पढ़ने के लिए बुक दी, दैट इज ग्रेचुटस बेलमेंट। अब जरा बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट्स, ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट्स बेलमेंट तीन तरीके का होता है। देखिए तीन तरीके का कैसे होता है सर, देखिए या तो मैं बोलूंगा एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ बेलर, या तो होता है एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ बेलर, या तो सिर्फ बेलर के बेनिफिट के लिए होता है, या सिर्फ बेली के बेनिफिट के लिए होता है। तो मैंने यहां पे बोला एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ बेली, एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ बेली, और तीसरा मैं बोलूंगा यहां पे म्यूचुअल बेनिफिट, तो म्यूचुअल बेनिफिट के लिए भी बेलमेंट हो सकता है। सर इन तीनों को अलग अलग किस तरीके से करें, देखिए एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ बेलर किस तरीके से होता है, अगर मेरा फ्रेंड मेरा लैपटॉप में विंडो इंस्टॉल करके मुझे वापस दे रहा है, मेरा फ्रेंड मेरी गाड़ी लेके जा रहा है ताकि वो मेरा काम कर सके, इसे कहते हैं क्या एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ बेलर। बेलर ने बेली को कार दी और कार देके ये कहा कि मेरे बच्चों को स्कूल से ले आओ, उसे हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ बेलर। लेकिन अगर बेली बोलता है कि मुझे अपने बच्चों को स्कूल से लेकर आना है, तो उसे हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ बेली। और अगर दोनों के बच्चों को स्कूल से लाएगा बेली, अपने बच्चों को भी और बेलर के बच्चों को भी, उसे हम कहते हैं म्यूचुअल बेनिफिट। ये दोनों के बेनिफिट के लिए क्या बन गया, ये दोनों के बेनिफिट्स के लिए बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट यहां फॉर्म हो गया। तो इस तरीके से बेलमेंट को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, ऑन द बेसिस ऑफ कंसिडरेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट्स। तो किसी पर्पस के लिए जब किसी मूवेबल प्रॉपर्टी का पोजेशन दिया जाता है, किसी एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए जब किसी मूवेबल प्रॉपर्टी का पोजेशन दिया जाता है, उसे हम बेलमेंट की कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं। प्रॉपर्टी कौन सी, द प्रॉपर्टी शुड बी, आई शुड से हेयर द प्रॉपर्टी मस्ट बी ए मूवेबल प्रॉपर्टी, नॉट ए इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो सर बेलमेंट दो इसकी कैटेगरीज आ गई। अब सर एक एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल ये है सर, ये एक ठीक है ना, ये मिस्टर तेजा हैं, ये मिस्टर तेजा हैं, और जो मिस्टर तेजा हैं ही इज़ ए बेलर, राइट, ही इज़ ए बेलर, और ये इनका ठीक है ना, ये जो टाइगर है ये इनका है, ये इस टाइगर के ओनर है। आप बोलोगे सर इंडिया में टाइगर पालना अलाउड नहीं है, आई नो दैट, मुझे पता है, मैं सिर्फ एग्जाम्पल की फॉर्म में ले रहा हूँ। ये कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं, ये कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं, ये अपने नेबर को रिक्वेस्ट करते हैं, ये अपने नेबर को रिक्वेस्ट करते हैं कि आपसे मैं छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है कि जब मैं बाहर जाऊं तब तक आप मेरे टाइगर को अपने पास रख लेना। तो इन्होंने अपने नेबर को रिक्वेस्ट करी और बाबूजी से क्या कहा,
यानी कि इन्होंने बेली से कहा कि बेली जी मेरे टाइगर को कुछ दिनों के लिए अपने पास में रख लीजिए, जब मैं वापस आऊंगा ना तो अपने टाइगर को वापस ले लूंगा। सर ऐसा कभी होता नहीं है, ये सिर्फ मैं एक एग्जाम्पल लेके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ सर। तो इस केस में अगर टाइगर ना होता, या हॉर्स होता, या डॉग होता, तो शायद बात थोड़ी सी और फिजिबल होती सर, वो बात हमें थोड़ी सी कन्विंसिंग लगती। तो सर जिसे वो दे के गया है ना, वो पर्सन क्या बन गया? वो पर्सन बन गया बेली। ओहो ओहो, ये टाइगर जो देखे गया तो गुस्से में आ गया, ये टाइगर तो गुस्से में आ गया, लेकिन कोई बात नहीं, ये भी संस्कारी टाइगर बन जाएगा क्योंकि बाबूजी की संगत में रहेगा ना। तो सर अब बेली का काम क्या है? अब बेली का काम है टू टेक केयर ऑफ द गुड्स बेल्ड। जिन गुड्स का बेलमेंट किया उनका प्रॉपर ख्याल रखना है। ये ड्यूटी किसकी हो गई है? ये ड्यूटी हो गई है अब किसकी? ये बेली की ड्यूटी हो गई है। टाइगर गुस्से में आ गया है, वो हम आगे चलते हैं और आगे दूसरी बात करते हैं। देखिए अब सर, हाँ ये एग्जाम्पल ज़रा ठीक है सर। इस बार बेलमेंट किसका किया गया? काऊ का बेलमेंट किया गया, अब तो ठीक है सर, अब तो काऊ का बेलमेंट था, और काऊ को एक काफ भी हो गया, राइट। काऊ का बेलमेंट था और उसको एक काफ भी हो गया। तो सर पता है बेली की ड्यूटी क्या है यहाँ पे? यहाँ पे बेली की ड्यूटी है कि वो दोनों को रिटर्न करेगा। जब बेलर वापस आएगा तो वो उन दोनों को रिटर्न करेगा, काऊ को भी रिटर्न करेगा, और किसको रिटर्न करेगा? वो काऊ के साथ साथ में जो उसका काफ है उसे भी रिटर्न करेगा। तो सर बेलमेंट में दो पार्टीज आती हैं, एक आता है बेलर, दूसरा को आता है बेली। तो सर दोनों के राइट्स के बारे में अब यहाँ बात करेंगे। तो अब ज़रा बात करते हैं व्हाट आर दी राइट्स ऑफ बेलर। और ये बात हमेशा याद रखना, जो बेलर के जो राइट्स है ना, राइट्स ऑफ बेलर इज इक्वल टू ड्यूटीज ऑफ बेली। बेलर के जो राइट्स होते हैं वो बेली की ड्यूटी बन जाते हैं। और साथ ही साथ मैं यहाँ एक और बात बोलूँगा, कि राइट्स ऑफ बेली इज इक्वल टू ड्यूटीज ऑफ बेलर। एक का राइट दूसरे की ड्यूटी, और दूसरे का राइट पहले वाले की ड्यूटी, पहले का राइट दूसरे वाले की ड्यूटी, दूसरे वाले का राइट पहले वाले की ड्यूटी। जो बेलर के राइट होते हैं वो बेली की ड्यूटी बनते हैं, और जो राइट्स हैं बेली के वो ड्यूटी बेलर की है। ओके सो अब जरा बात करते हैं कि सर दोनों के राइट्स क्या क्या अवेलेबल होते हैं, बेलर को बेली के अगेंस्ट में क्या राइट मिलते हैं, और बेली को बेलर के अगेंस्ट में क्या राइट मिलते हैं। तो सर अब जरा इनकी भी बात कर लेते हैं। तो अब नाउ लेट्स डिस्कस कि कौन कौन से ऐसे राइट्स हैं जो बेलर को अवेलेबल होते हैं। सर बेलर का राइट क्या है? व्हाट इज द राइट्स ऑफ बेलर? बेलर का राइट है, बेलर कैन डिमांड बैक द गुड्स। वो अपने गुड्स को दोबारा डिमांड कर सकता है। और अगर उसमें कोई एडिशन है, इफ देयर इज एनी एडिशन इन द गुड्स, उसे भी डिमांड कर लेगा। अगर गुड्स में कोई एडिशन है तो उसे भी क्या कर लेगा? एडिशन इन द गुड्स जो है उसे भी डिमांड कर लेगा। कौन डिमांड कर लेगा? उसे भी बेलर डिमांड कर लेगा। पहला क्या आया? गुड्स डिमांड। दूसरा क्या आया? कोई अगर गुड्स में एडिशन है तो वो भी डिमांड कर सकता है। एडिशन इन द गुड्स, मैंने कहा ना कि अगर काऊ से काफ हो गया, राइट, काऊ भी मांग सकता है और काऊ के साथ साथ में काफ भी अपनी डिमांड कर सकता है। दूसरी अगर हम बात करें कि सर और क्या क्या राइट्स है बेलर के, राइट, तो अब हम बात करेंगे सर, गुड्स दोबारा डिमांड कर सकता है। अगर कोई बेनिफिट उसमें अराइज हुआ तो वो भी डिमांड कर सकता है। इसके अलावा इसका एक और राइट है सर, ये प्री मैच्योर टर्मिनेशन करने का राइट भी रखता है। ये कॉन्ट्रैक्ट को प्री मैच्योर टर्मिनेट कर सकता है। तो प्री मैच्योर टर्मिनेट करने का राइट भी किसके पास में है? बेलर के पास में ये भी एक राइट है।
डिमांड गुड्स दोबारा डिमांड कर सकता है, और कुछ एडिशन हुआ है तो वो भी डिमांड कर सकता है। और प्री मेच्योर टर्मिनेशन का मतलब जितनी ड्यूरेशन के लिए बेलमेंट किया गया था उससे पहले भी गुड्स को दोबारा डिमांड कर सकता है। लेकिन अब जरा बात करते हैं, व्हाट आर दी राइट्स ऑफ बेली, बेली के राइट्स कौन कौन से हैं सर? अब बेली के राइट्स की भी जरा बात कर लेते हैं। सर वो डिमांड कर सकता है एक्सपेंसेस, वो डिमांड कर सकता है एक्सपेंसेस, वो एक्सपेंसेस जो बेली ने इनकर किए थे, राइट, जो बेली ने इनका पेमेंट किया था, जो एक्सपेंसेस बेली के लगे वो उसका डिमांड कर सकता है। इसके साथ साथ सर बेली के और कौन कौन से राइट हैं? सर अगर बेलर का टाइटल डिफेक्टिव था, सर टाइटल डिफेक्टिव का क्या मीनिंग होता है ये जरा समझते हैं। सर बेलर ने क्या किया था? बेलर ने स्टोलन गुड्स, चोरी किए हुए गुड्स का बेलमेंट किया था। तो चोरी किए हुए गुड्स का बेलमेंट किया किसके पास किया? बेली के पास में किया। और फिर बेली को किसने अरेस्ट कर लिया? बेली को अरेस्ट कर लिया पुलिस ने। सर बेली को इस बारे में कोई आइडिया नहीं था कि जो गुड्स है गुड्स पे किसकी ओनरशिप नहीं है, बेलर की ओनरशिप नहीं है। तो अगर टाइटल डिफेक्टिव था इस वजह से लॉस किसको हुआ? इस वजह से लॉस हुआ किसको? बेली को। सो हु इज गोइंग टू कंपनसेट? तो बेली को जो लॉस हुआ उसके लिए कंपनसेट कौन करेगा? उसके लिए कंपनसेट करेगा अब कौन? बेलर उसके लिए कंपनसेट करेगा। जो गुड्स को प्रिजर्व करने में बेली ने एक्सपेंसेस लगाए थे ना, वो सारे एक्सपेंसेस मांग सकता है बेली। हॉर्स या काऊ या टाइगर तो नहीं होता, लेकिन अगर हॉर्स या टाइगर कुछ भी बेली के पास में रखा हुआ था, कार थी, कार को रिपेयर करवाया, तो ये सारे एक्सपेंसेस, काऊ थी उसको खाना खिलाया, उसको चारा डाला, ये सारे पैसे कौन मांग सकता है? ये सारे पैसे बेली जो है वो बेलर से मांग सकता है। तो हमने ये कुछ एग्जाम्पल देखे बेली के राइट के। और मैं एक बात और कहूंगा कि बेली के पास में एक राइट होता है जिस राइट को हम बोलते हैं राइट ऑफ लीन। राइट ऑफ लीन, ये वर्ड मैं बार बार रिपीट करूंगा। और राइट ऑफ लीन का मतलब होता है राइट टू रिटेन। इसका मीनिंग क्या आया? इसका मीनिंग आया राइट टू रिटेन। अगर ये बेली चाहे तो गुड्स को रिटेन भी कर सकता है। यस, राइट टू रिटेन, अगर बेली चाहे तो गुड्स को अपने पास रिटेन भी कर सकता है। और राइट ऑफ लीन का मतलब क्या हुआ? वो बोलेगा कि मैं गुड्स को रिटर्न नहीं करूंगा, वो गुड्स को अपने पास में रख लेगा जब तक कि जो एक्सपेंसेस उसने किए हैं वो एक्सपेंसेस बेलर पे ना करे। सर जब कोई, अगर आप कभी टेलर से कपड़े स्टिच करवाते हैं ना, तो टेलर भी एक तरीके से बेली बन जाता है। और उसका भी एक राइट होता है कि अगर उसके जो एक्सपेंसेस लगे, उसकी जो स्किल है, उसकी जो फीस आपको पे करनी है, अगर वो फीस आपने पे नहीं करी तो वो क्या कर सकता है? जानते हैं वो क्या कर सकता है? अब वो टेलर वो कपड़े अपने पास रख सकता है। अगर कार का वर्कशॉप है और वर्कशॉप में गाड़ी की सर्विस हो गई, लेकिन वर्कशॉप में सर्विस होने के बाद अगर गाड़ी की जो एक्सपेंसेस जो पेमेंट करनी है वर्कशॉप वाले को, अगर वो पे नहीं किया, तो उसके पास ये राइट कौन सा होता है? उसके पास राइट ऑफ लीन अवेलेबल होता है। और राइट ऑफ लीन का मतलब क्या होता है? राइट टू रिटेन। और ये बात मैंने आपको बताई थी ना कि बेलर का राइट अगेंस्ट बेली होता है, राइट ऑफ बेलर इज इक्वल टू ड्यूटी ऑफ बेली। और जो बेली का राइट है वो ड्यूटी किसकी है? वो बेलर की ड्यूटी है। तो ये सारे पॉइंट हमने डिस्कस करे, दोनों की राइट्स और दोनों की ड्यूटीज को लेकर ये सारे पॉइंट हमने यहाँ पे देखे, किसका राइट किसके अगेंस्ट मिलता है, इन सब पॉइंट्स की हमने बात करी। अब जरा ये डिस्कस कर लिया जाए सर कि बेलमेंट टर्मिनेशन कब कब होता है, कब कब बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो सकता है, खत्म हो सकता है। सो नाउ विल डिस्कस टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट, बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट कब कब टर्मिनेट हो सकता है। तो अब बात करेंगे टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट की। बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट जब पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, तो देखिए अब टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट की यहां हम लोग बात कर रहे हैं सर, उसके कौन कौन से ग्राउंड्स हैं। देखिए पहला मैंने कहा सर, अगर जो बेलमेंट में जो टाइम प्रेस्क्राइब था, जो बेलमेंट में टाइम प्रेस्क्राइब था, तो मैं क्या बोलूंगा सर, जो प्रेस्क्राइब्ड टाइम बेलमेंट में था वो टाइम कंप्लीट हो गया,
जो प्रिस्क्राइब टाइम बेलमेंट में था वो टाइम कंप्लीट हो गया। सर अगर आप कभी गोवा घूमने जाएं तो गोवा में आप देखते हैं कि वहाँ घूमने के लिए आपको बाइक मिलती है और बाइक आप रेंट पे ले सकते हैं, सर वो भी तो बेलमेंट ही होता है, और जब टाइम खत्म हो गया तो बेलमेंट खत्म हो गया। तो जो प्रिस्क्राइब टाइम बेलमेंट में प्रिस्क्राइब था अगर वो खत्म हो गया, प्रिस्क्राइब टाइम जो बेलमेंट में था दैट टाइम इज कंप्लीटेड, अगर वो टाइम कंप्लीट हो गया तो बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट भी क्या हो गया, खत्म हो गया। सर वो पर्पस अचीव हो गया जिस पर्पस के लिए बेलमेंट किया गया था, लैपटॉप रिपेयरिंग के लिए दिया था और लैपटॉप रिपेयर कर दिया, तो यहां जो पर्पस था वो पर्पस क्या हो गया, वो पर्पस अचीव हो गया। इसके अलावा मैं ये बोलूं कि सर अगर सब्जेक्ट मैटर जो था बेलमेंट का वो डिस्ट्रक्शन हो गया, डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, जिस गाड़ी के लिए बेलमेंट किया गया था, मान लीजिए उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया या किसी एक्सीडेंट में वो गाड़ी पूरी तरीके से ख़त्म हो गई, तो अब बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट भी ख़त्म हो गया, तो इसे हम बोलेंगे डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर के अलावा एक और पॉइंट मैं डिस्कस करूंगा, ऑन डेथ ऑफ एनी पार्टी। अगर किसी पार्टी की डेथ हो गई ना तो भी बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है, ऑन डेथ ऑफ एनी पार्टी, इस केस में भी बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। तो ये हमने डिस्कस करे बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट, और बेलमेंट कब बनता है, कैसे बनता है, बेलमेंट कितने तरीके का होता है और बेलमेंट कब कब टर्मिनेट होता है। तो ये पूरा का पूरा सर बेलमेंट का टॉपिक है। बेलमेंट के टॉपिक में से अभी तक तो क्वेश्चन नहीं आया एग्जाम में, क्योंकि सीएस फाउंडेशन में इसके ऊपर से क्वेश्चन आप पढ़ चुके हैं, सीएस फाउंडेशन में आपने से काफ़ी रिवाइज किया है, काफ़ी बार पढ़ा भी है, लेकिन एग्जीक्यूटिव लेवल पे अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आया। लेकिन क्या पता एग्जामिनर कब पूछ ले कि बेलमेंट का नेचर बता दो आप, राइट। तो दिस वॉज द टॉपिक ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, और मैं आपसे मिलूंगा अब एक नए टॉपिक में। थैंक यू सो मच।